नमस्कार दोस्तों, लर्नो लाइक XYZ चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम किसी भी संख्या में 3, 9 और 11 से भाजकता की जांच करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिएगा, हमारे पास सबसे पहले एक संख्या है 44, 55। 44, 55 इसमें हमें 3 से 9 से और 11 से भाजकता की जांच करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम करते हैं 3 से भाजकता की जांच। तो 3 से भाजकता की जांच हम किस प्रकार से करते हैं समझते हैं। देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 4 अंकों की संख्या है। तो सबसे पहले हम 3 से भाजकता की जांच करने के लिए क्या करते हैं। 3 से भाजकता की जांच करने के लिए हम करते हैं इस संख्या में सभी अंकों का योग। हम क्या करते हैं, सभी अंकों का योग, अंकों का योग। अंकों का योग जब हम करते हैं तब हमारे अंकों का योग आता है 4+4+4+5+5। यहाँ पर जब अंकों का योग करते हैं तो हमारे पास अंकों का योग आता है 18। अब दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने अंकों का योग किया और यदि ये योग इस 3 से विभाजित हो, यहाँ पर योग आया 18, क्या 18 3 से विभाजित है? हाँ, 18 3 से विभाजित है। यहाँ पर 18 किससे विभाजित है? 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी जो संख्या है 4455, इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाज्य है। इसी प्रकार से हम जांच करते हैं 9 से भाजकता की जांच। 9 से भाजकता की जांच, 9 से भाजकता। अब 9 से भाजकता की जांच किस प्रकार करते हैं? इसी प्रकार से इसमें अंकों का योग करते हैं। तो अंकों का योग हमारा आता है 4+4+5+5। इसी प्रकार से ये भी अंकों का योग क्या आता है? 18 आता है। अब ये 18 क्या 9 से विभाज्य है? हाँ, बिल्कुल 18 किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है। इसका मतलब ये संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी। तो यह संख्या भी किससे विभाजित होगी? 9 से विभाजित होगी, अर्थात इसमें 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। इसी प्रकार से हम करते हैं 11 से भाजकता की जांच। 11 से भाजकता, 11 से भाजकता में आप देखोगे, 11 से भाजकता में आप देखोगे, 11 से भाजकता की जांच के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे हमको संख्या दे रखी है 4455, 4455 इस संख्या में हम क्या करते हैं, प्रत्येक अंक को क्रमानुसार +1 -1 +1 -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे जैसे सबसे यहाँ पर फर्स्ट डिजिट्स है 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे +1 से। तो +1 से मल्टीप्लाई करेंगे हम किसको? 4 से। फिर बीच में हम प्लस का साइन लगाते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट्स जो है 4, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं -1 से। इसका मतलब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको? 4 से। फिर हम प्लस का निशान लगाते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट से हमारे पास 5 है, इस 5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं वापस +1 से। फिर आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे -1 से। इसी प्रकार से हम जो क्रमानुसार जो डिजिट्स होंगे, हमारे जो क्रमानुसार जो अंक होते हैं, उनको +1 -1 +1 -1 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार आगे संख्याएं आती हैं तो उनको भी इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हल करते हैं, हम यहाँ पर हल करते हैं इसको। तो हमारा आता है 4 -4
प्लस फाइव माइनस फाइव, इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है जीरो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो जो है वो 11 से विभाज्य है। यहाँ पर जो जीरो जो है वो किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। इसका मतलब यदि अब जीरो 11 से विभाज्य है तब हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 44 55, ये भी किससे विभाज्य होगी, 11 से विभाज्य होगी। इसका मतलब ये भी किससे विभाज्य है, 11 से विभाज्य है। अतः हम लिख सकते हैं कि यह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। अतः 44 55 11 से विभाज्य है। इस प्रकार से हमने इस संख्या की भाजकता की जांच कर ली। इसी प्रकार से हम हमारी जो दूसरी संख्या है ये, इस संख्या की भी हम भाजकता की जांच कर सकते हैं। ओके, तो इस संख्या की भी हम भाजकता की जांच इसी प्रकार से कर सकते हैं जैसे इस संख्या की भाजकता की जांच की। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।